सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स समय चक्र स्कूल टॉपर्स अवार्ड। स्कूल टॉपर्स अवार्ड के प्रायोजक हैं सेक्रेट स्किल अपोलो शिक्षा समिति, मां शारदा इंटरनेशनल एकेडमी। स्कूल टॉपर्स अवार्ड के सह प्रायोजक हैं डीपीएस किड्स, वर्मा क्लासेस, अरीना एनिमेशन, एमआईपीएस उज्जैन। नमस्कार, देवास के स्कूल टॉपर्स पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम समय चक्र स्कूल टॉपर अवार्ड्स अब तक अपने मध्य में आ पहुंचा है। अब तक 9 एपिसोड्स में हमने आपको देवास के एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के स्कूल टॉपर्स से मिलवाया। चूंकि हमारे 9 एपिसोड्स पूरे होते होते सीबीएसई के रिजल्ट्स भी आ चुके थे और सीबीएसई विद्यालयों से लिस्ट हमारी टीम को मिली और हमारी टीम ने शीघ्रता के साथ ही सीबीएसई स्कूल के टॉपर्स के घर जाकर उनके इंटरव्यू लेना आरंभ कर दिए। आज से हम आपको देवास के सीबीएसई स्कूल्स के भी टॉपर से मिलवाना आरंभ कर रहे हैं। तो आज जिन स्कूल टॉपर से आपको मिलवाएंगे उनमें है होली ट्रिनिटी स्कूल से मैथ्स विषय के टॉपर एल्विन सेबेस्टियन, सरस्वती ज्ञानपीठ स्कूल से मैथ्स की टॉपर श्वेता सोनी तथा चिमनाबाई स्कूल से बायो की टॉपर इरम जाफरी से। आपको इन टॉपर से मिलवाने के लिए लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। जब सीबीएसई विद्यालयों के टॉपर्स की लिस्ट बनती है तो टॉपर्स में नाम आता है सीजी ट्यूटोरियल्स के विद्यार्थियों का। सर्वोच्च अंकों के साथ इस वर्ष भी आगे सीजी ट्यूटोरियल्स, सीबीएसई विद्यार्थियों का जंक्शन पॉइंट। सीजी ट्यूटोरियल्स, वी डोंट टीच डिफरेंट, वी टीच डिफरेंटली। प्रतिदिन लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस के पीरियड। सीजी ट्यूटोरियल्स में विद्यार्थियों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए एप्लीकेशन पार्ट पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति अपनाते हुए विजुअल क्लासेस के साथ साथ मेंटल एबिलिटी क्लासेस का संचालन, विद्यार्थियों की बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सेमिनार्स का आयोजन, एजुकेशनल ट्रिप्स के माध्यम से जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस बढ़ाने का प्रयास। क्लास 9, 10th में फाउंडेशन क्लासेस, ओलंपियाड, परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण। क्लास 11th, 12th में रेगुलर कोर्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जाती हैं। मैनेजमेंट का पालकों से सीधा संपर्क रहता है। प्रतिदिन पढ़ाए गए पाठ्यक्रम की जानकारी SMS द्वारा दी जाती है। नियमित पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, बेहतर भविष्य, सफल व्यक्तित्व का निर्माण स्थल। सीजी ट्यूटोरियल्स, ISO 9001:2008 सर्टिफाइड सीजी ट्यूटोरियल, नियर LNB क्लब, AB रोड, देवास। मोबाइल 9070469 47, फोन 0727242188। बच्चों की कंसल्टेशन पावर बढ़ाने के लिए सेक्रेट स्किल अपोलो शिक्षा समिति लाए हैं थर्ड आई एक्टिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से अब बच्चों की पांचों इंद्रियों के साथ जागृत होगी छठी इंद्री भी। बंद आंखों से बच्चों का रंगों को पहचानना, नंबर पहचानना, साइकिल चलाना, कैरम खेलना, सामने वाले व्यक्ति की स्थिति बताना, अंधेरे कमरे में पढ़ना, गारंटी के साथ अब बच्चों की एकाग्रता, स्मरण शक्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसके साथ ही बच्चों की चिड़चिड़ाहट, जिद, शर्माना, झिझक में सकारात्मक परिवर्तन। निशुल्क DMIT टेस्ट से अपने बच्चों के जेनेटिक टैलेंट के बारे में जाने और उनके IQ, AQ, CQ के बारे में भी जाने। फ्री लाइव डेमो दोपहर 2 से 4 बजे तक। सेक्रेट स्किल अपोलो शिक्षा समिति, राधिका कॉम्प्लेक्स, MG रोड, पंजाब नेशनल बैंक के पास, देवास। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। स्कूल टॉपर अवार्ड में इस 10वें एपिसोड में आइए सबसे पहले चलते हैं सीबीएसई स्कूल्स के कक्षा 12वीं के टॉपर एल्विन सेबेस्टियन के घर। Thank you.
प्रेजेंट समय चक्र स्कूल टॉपर्स अवार्ड में आज हम आपको लेकर आए हैं मैनाश्री कॉलोनी, जहां हम मिलेंगे होली ट्रिनिटी के सीबीएसई 12th टॉपर एल्विन सेबेस्टियन से। तो आइए मिलते हैं एल्विन से। हेलो एल्विन, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एल्विन की सफलता पर। एल्विन, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। I am Elvin Sebastian. I am from Holy Trinity School and इस बार का स्कूल टॉपर 12वीं का। अच्छा एल्विन, आपका सब्जेक्ट क्या है और आपकी फैमिली में कौन कौन मेंबर्स है? मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद CS था, और मेरे फैमिली मेरे पापा भी होली ट्रिनिटी स्कूल में ही है, मम्मी होली ट्रिनिटी स्कूल में टीचर है, और बहन होली ट्रिनिटी स्कूल में पढ़ रही है। पापा का नाम मिस्टर सेबेस्टियन जॉर्ज, मिस सोफी जॉर्ज एंड अलीना सेबेस्टियन। अच्छा सेबेस्ट, आप सबसे पहले तो ये बताइए, आपने आपकी परीक्षाओं की तैयारियां कैसे की थी? परीक्षा की तैयारी सच बोले तो ऐसा कुछ स्पेशल सा तरीका नहीं था, बस ये था कि अपन जो क्लास में अपन जब बैठते हैं पढ़ते हैं तो मेनली अपन जो भले कोई सी भी क्लास हो, भले स्कूल में हो या कोचिंग में हो, अच्छे से अटेंटिव रहना। तो पहली बात मैं सोचता हूँ, अपन एक क्लास में हो तो सबसे पहले क्लास में टोटली अटेंटिव रहना चाहिए, और फिर अपन एक दिन जो पढ़ते हैं उसको उसी दिन कंप्लीट करना चाहिए, और फिर क्या बोलते हैं अपने एक गोल सेट करना चाहिए, और उसके लिए एक और डिटर्मिनेशन चाहिए रहता है। अगर वो है तो अपन 100% अपन उसके लिए मेहनत करेंगे और सफलता मिलेगी सी। अच्छा अलविन, ये बताइए आपका गोल क्या है, आप अभी क्या सोच रहे हैं, क्या करने का सोच रहे हैं? मैं तो अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का सोच रहा हूँ, और हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा गोल है। स्कोप लगता है आपको मैकेनिकल इंजीनियर में? आजकल इतने सारे इंजीनियर्स घूम रहे हैं, आपको लगता है कि आप भी उनके जैसे घूमेंगे या फिर कुछ अलग करके दिखाएंगे उनसे? बहुत सही बात है, मतलब आजकल तो बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स सब ऐसे ही घूम रहे हैं, पर यह है कि उसमें एक चीज नोट करने का है कि जो फालतू में घूमते हैं वो लोग मेनली ऐसे जो स्मॉल कॉलेजेस और इधर से बस डिग्री लेके एक नाम के लिए डिग्री लेके जाते हैं वो लोग ऐसे घूमते हैं। अगर अपने एक अच्छे कॉलेज से लें, रेप्यूटेड कॉलेज से लें, तो 100% और मिलेगा अपन को जॉब। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है जिसमें अपन को स्कोप बहुत ज्यादा है, भले ही अपन जैसे ही निकले तब भले ही वो जॉब नहीं मिले, पर जैसे अपना एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा उसके हिसाब से अपना जॉब का जो लेवल है और जो अपन को जो इनकम मिलेगी वो बढ़ते जाएगी। आइए अब एल्विन के बारे में उनके पिताजी के क्या विचार है ये जानते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं? मैं होली ट्रिनिटी में स्कूल में हूँ, फाइनेंस ऑफिसर हूँ उधर। आपको पूरी जानकारी रहती थी एल्विन के बारे में, ये पढ़ाई में कैसा है, स्कूल में क्या कर रहा है, क्योंकि आप उसी स्कूल में काम करते तो आपको इसके बारे में सब पता होता था? सब पता होता था, मगर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता था, वो टीचर्स का गाइडेंस का वजह से, और टीचर्स उसको गाइड करता था उसी हिसाब से, अपना हिसाब से वो करता था। अच्छा, आपने एल्विन के लिए क्या क्या उम्मीदें रखी हैं, आप एल्विन से क्या चाहते हैं? जैसा कि एल्विन ने बताया वो मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है, आप उसकी इस ख्वाहिश से सेटिस्फाई? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। Okay. उनको अपना रास्ता चुनना चाहिए, मतलब वो जो भी करेगा आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। आपने कैसे उसको सपोर्ट किया उसके एजुकेशन के लिए, अभी 12th के लिए? उनका जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने पूरी किया बस। आप कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देते थे या ऐसे पढ़ना चाहिए, या आपने कभी उसको गाइड किया? गाइडेंस ही था बस, टीचर से रेस्पेक्ट करो बस। अच्छा, मतलब आपने सिर्फ उसको मान लो, उसका गाइडेंस के आधार पर आगे बढ़ो, वैल्यूज दिए बस। Okay. इसके अलावा कुछ? नथिंग। Okay, मतलब एल्विन ने खुद से ही पढ़ाई की है? ओके सर, थैंक यू। आइए अब एल्विन की माता जी से उनके बारे में विचार जानते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आप क्या करती हैं आंटी? मैं टीचर हूँ होली ट्रिनिटी स्कूल में। अच्छा, आप भी उसी स्कूल में? आई एम KGT इंग्लिश इन होली ट्रिनिटी स्कूल। ओके, तो आपने एल्विन को पढ़ाया है? कैसा था एल्विन पढ़ाई में उस वक्त? चाइल्डहुड इटसेल्फ, नो, ही वाज वेरी अटेंटिव इन द क्लास। And whenever he studied, no, he had a full attention in the studies. तो आपको उम्मीद थी इतना अच्छा पढ़ता है एल्विन कुछ करेगा, मतलब 12th में टॉप करेगा स्कूल में? Of course I hoped, and when he got the percentage, he got little less than I expected. Okay. Actually I expected at least 93, like that, even then I am very happy. And really all the teachers, he got full support from his school. And the whole staff, really we are grateful to the whole staff there in the school. आपको तो एल्विन की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती होगी सारी टीचर से? Of course. आपने कभी इंटरफेयर किया, आपने कभी इसको समझाया कि ऐसे पढ़ना चाहिए या वैसे पढ़ना चाहिए? आपने कुछ इन सम सब्जेक्ट्स नो, मेनली इन इंग्लिश एंड ऑल, समटाइम व्हेनेवर ही हैड द डाउट्स, ऑफ कोर्स आई हैव गिवन एडवाइस। ओके, थैंक यू मैम। आइए एल्विन की सिस्टर से मिलते हैं।
हेलो हेलो, आप क्या करते हो? मैं पढ़ती हूँ स्कूल में। उसी स्कूल में हो? हाँ। आप भी भैया जैसे 90% बनाओगे? हाँ। टॉप करोगे? हाँ। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर। डॉक्टर? भैया सपोर्ट करता है पढ़ाई में? हाँ। आपने कुछ सपोर्ट किया था भैया को अभी? हाँ। अच्छा अलविन, ये बताइए आपने कोचिंग कहाँ से की थी? मैंने कोचिंग सीजी ट्यूटोरियल से की है। ओके, वहाँ की टेक्निक्स आपको कैसी लगी? पढ़ाई के बारे में दिए जाने वाले टिप्स, सर का नेचर, एटमॉस्फेयर कैसा था सीजी ट्यूटोरियल्स का? मतलब मैंने जो भी देखा, मतलब मैं बस अभी तक एक ही ट्यूटोरियल में गया हूँ, मतलब बहुत अच्छा है। मैं सच बोला तो जैसे उधर के जो सर पढ़ाते हैं, आशीष सर है वो, जैसे उधर के डायरेक्टर, वो जैसे पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका है, मतलब बहुत अच्छा है। मेरे को सच में बहुत अच्छा लगता है। मतलब कुछ भी समझाना हो उसको, एकदम क्या बोलता है, एक अपना जो लेवल है उसमें आके ऐसे समझाते कि अपन को सब कुछ समझ में भी आए और याद भी रहे, और बहुत अच्छा लगता है। उधर का जो एटमोसफियर है पूरा एकदम ऐसे पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, और ऐसा नहीं होता स्ट्रेस हो जाता है पढ़ाई करके, तो मजे के मजे भी होते हैं, पढ़ाई की पढ़ाई भी होती है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ टिप्स जो आप दूसरे स्टूडेंट्स को देना चाहते हो, वो भी पढ़ाई में आगे बढ़े, टॉप करें, कुछ टिप्स? टिप्स मतलब ऐसा कुछ, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड टिप्स तो होते नहीं, मतलब नहीं तो सब लोग कर ले और सब लोग हो जाए। सही है। पर ऐसा है कि मतलब मैंने क्या किया, मतलब पहली बात तो सच में मैं ये मानता हूँ कि अपने जो भी क्लास में हो, भले स्कूल में हो या कोचिंग में हो, बी अटेंटिव इन दैट। और ये बोलना चाहूंगा कि मतलब खुद में एक वो रहना चाहिए, मतलब हाँ मेरे को चाहिए, और मतलब वो एक पढ़ने की जो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, और अगर वो है तो आप लोग करो, मतलब 100% वो करेंगे भी सही और उनको उनकी मेहनत का फल मिलेगा भी सही, इसलिए मेहनत करो और मिलेगा। थैंक यू एल्विन, आपने आपका प्रीशियस टाइम हमें दिया। अगेन कांग्रेचुलेशन। थैंक यू टू ऑल। सीजी ट्यूटोरियल्स प्रेजेंट समय चक्र स्कूल टॉपर्स अवार्ड में आज हम मिले एल्विन से। ऐसे ही कुछ और धमाकेदार टॉपर से हम आपको मिलवाने ले चल रहे हैं, तो चलिए आइए हमारे साथ। तो कैसा लगा आपको एल्विन सेबेस्टियन से मिलकर? ब्रेक के बाद आपको लेकर चल रहे हैं एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की मैथ्स टॉपर श्वेता सोनी के घर। अग्रवाल जूनियर कॉलेज अब बन चुका है माँ शारदा इंटरनेशनल एकेडमी। ज्ञान के उज्जवल प्रकाश में पढ़ते हंसते खेलते बढ़ते मंजिल की ओर थामे संस्कारों की डोर। माँ शारदा इंटरनेशनल एकेडमी, शिक्षा के साथ संपूर्ण विकास, कुछ अलग कुछ खास। माँ शारदा इंटरनेशनल एकेडमी, बाईपास चौराहा उज्जैन रोड देवास। Give a boost to the creativity of your child at DPS Kids. सन 2007 से संचालित नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के DPS Kids में मॉन्टेसरी तथा इंडक्टिव मेथड द्वारा आपके लाडलों को परिपूर्ण शिक्षण के साथ ही मिलता है डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए प्रवेश प्रारंभ। नर्सरी एवं प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स हेतु भी प्रवेश प्रारंभ। DPS किड्स, आज अनुकूल नगर देवास। ब्रेक के बाद आपका स्कूल टॉपर अवार्ड्स में फिर से स्वागत है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं सीधे विकास नगर, जहां रहती हैं सरस्वती ज्ञान पीठ स्कूल से मैथ्स टॉपर श्वेता सोनी। आइए चलते हैं। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड। आज हम आए हैं सरस्वती ज्ञानपीठ स्कूल की स्कूल टॉपर श्वेता सोनी के घर पर, और हम सीधे चल रहे हैं श्वेता सोनी के घर पर और मिलवा रहे हैं श्वेता सोनी से, उनके परिजनों से। आइए हम चलते हैं श्वेता सोनी के घर पर। नमस्कार,
श्वेता सोनी, बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। आप सरस्वती एनपीट की स्कूल टॉपर हैं। सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बैठिए फिर बैठ के बात करते हैं हम। यस श्वेता, कैसा लग रहा है आपको स्कूल टॉपर बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है स्कूल टॉपर बनकर। आपने मैथ सब्जेक्ट में 90.2% अंक अचीव किए हैं, तो इसके बारे में बताया कि मैथ सब्जेक्ट बहुत जटिल होता है, तो कैसी क्या तैयारी करी आपने इसके लिए? इसके लिए टफ तो होता है सब्जेक्ट में मार्क्स प्राप्त करना, लेकिन मुझे स्कूल का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, मेरी सिस्टर का सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे हमेशा गाइड करते रहा कि आप ऐसे पढ़ाई करिए, ऐसे अच्छे से कोर्स पे ध्यान दीजिए, इस तरह से। मतलब आपके पेरेंट्स के साथ साथ आपकी जो बड़ी सिस्टर है उनका योगा। बड़ी सिस्टर क्या कर रही है इसे अभी? वो MCA कर रहे हैं। वेरी गुड, MCA कर रही है। और 12th जैसे आपने बहुत अच्छे अंकों से पास कर लिया, आप स्कूल टॉपर है। अगला एम क्या है आपका? अगला एम मेरा BE है, IT बैंक से करने का। तो उसके लिए क्या प्लानिंग की है अभी आपने? उसके लिए अभी कॉलेज डिसाइड करना है, मतलब पापा वगैरह से अभी डिस्कशन कर रहे हैं, सब क्या होता है देखते हैं। आपके पापा क्या जॉब करते हैं? पापा BSNL में जॉब करते हैं। अच्छा, इंदौर BSNL में पापा जॉब करते हैं। अच्छा, अब हमारे साथ बेटी है श्वेता सोनी की मम्मी। नमस्ते, आपका शुभ नाम? इंदिरा सोनी। मम्मी बताएं कि आपकी जो बेटी है श्वेता सोनी अपने स्कूल में स्कूल टॉपर रही है, कैसा फील कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है हमको, सभी को, हमको परिवार को सभी अच्छा लग रहा है। सभी अच्छे चाहते हैं कि और आगे बढ़े, अच्छे पास हो गए, तो मतलब सबको खुशी हो रही है। तो ये बताएं कि ये खुशी पहली बार मिली है आपको इस टाइप की कि पहले मिल चुकी है? नहीं, पहले भी हो चुकी है ना, हमेशा, मतलब पहले से तो 12वीं तक पूछे पहले ही नंबर पास हुई है। मतलब अपन फर्स्ट से लेकर 12th तक श्वेता जो स्कूल टॉपर रही है, टॉपर ही रही है, पहले से लेकर 10th तक टॉपर ही रही है। अब श्वेता ये बताएं कि अपना जो स्कूल की जो फैकल्टीज है आपके सरस्वती ज्ञानपीठ में, आप बता रही थी कि बहुत अच्छा आपको सहयोग मिला है, तो उसको डिस्क्राइब करें ना, किस प्रकार का सहयोग आपको स्कूल वालों ने दिया है? स्कूल वालों ने, मतलब जैसे हमें कोई भी चीज की आवश्यकता होती थी तो हम हमारे डायरेक्टर सर को इन्फॉर्म करते थे, तो वो तुरंत तो उसके लिए आगे बढ़ते थे कि हाँ आपके लिए जरूरी है तो आप करिए इससे आगे। फिर हमारे सभी टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं उनका भी बहुत ज्यादा सहयोग रहा है कि आप ऐसे करिए, बोर्ड में आपको ऐसे लिखना है, इस तरह से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कुल मिला के आपकी ये जो सफलता प्राप्त की है आपने, इसका पूरा श्रेय या कुछ श्रेय आप किन किन लोगों को देना चाहते हैं? फर्स्ट तो पापा मम्मी को देना चाहूंगी, उसके बाद स्कूल को देना चाहूंगी। और स्कूल में किसको, किस व्यक्ति विशेष को आप देना चाहेंगे? डायरेक्टर सर तिवारी सर को देना चाहूंगी, PM तिवारी सर को। सर बधाई हो, आपकी एक स्कूल टॉपर हमारे साथ है और वो आपको सीधा सीधा श्रेय दे रही है, हमारे लिए भी बहुत ही गौरव की बात है। आपका सफलता का मूल मंत्र कौन सा रहा है? सफलता का मूल मंत्र तो मेरा ये रहा है कि हमेशा अच्छे से ही, मतलब कॉन्सेंट्रेट करो पढ़ाई में, आगे ही बढ़ना है अपने को, पीछे देखे मत देखो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा आगे बढ़ो ऐसा। मतलब कुल मिला के आपका सफलता का मूल मंत्र ये है कि जो भी होता है अच्छा होता है, पीछे की ओर मत देखो, हमेशा आगे की ओर देखो। पीछे आप बहुत अच्छा करके आए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज और आगे अपन क्या कर सकते हैं? मतलब आज में हम जिए, कल बहुत अच्छा हुआ या बुरा हुआ उसको भूल के आज आगे को सवारे हम। हमारी तरफ से स्कूल टॉपर्स अवार्ड कार्यक्रम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। हमारे देवास जिले और देवास प्रॉपर के सभी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में टॉपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मेरे विद्यालय की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, साथ ही शासकीय और अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों को जिन्होंने कि इस देवास का नाम रोशन किया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी, उनके माता पिता की और शिक्षकों को, तीनों का सम्मिश्रित मेहनत रही है जिसके कारण ये विद्यार्थी मध्य प्रदेश में और देवास जिले में अपना नाम रोशन किया है। पुनः उनको बहुत बहुत बधाई और आशा करता हूं कि वो इस बधाई को लेकर के अपने विचारों को और अपने कार्य को उसी रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं करेंगे, जिससे वो अभी तो देवास और मध्य प्रदेश में नाम रोशन किया है, आगे चल करके हमारे देश का नाम रोशन करें, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह स्कूल टॉपर अवार्ड्स का 10वां एपिसोड है। SR चैनल के कई जागरूक दर्शक
फोन करके जब हमें इस कार्यक्रम के बारे में बताते हैं तो हमें लगता है कि हम सही दिशा में आगे जा रहे हैं। फिलहाल ब्रेक का समय हो चुका है और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे चिमनाबाई स्कूल की बायोटॉपर इरम जाफरी से। विगत 14 वर्षों से इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी के क्षेत्र में शिखर को छू रहे MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ने हजारों युवाओं के सपनों को साकार किया है। 75 एकड़ में प्राकृतिक हरितिमा से युक्त MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के साथ MCA, MBA, B-Pharma और M-Pharma कोर्सेज उपलब्ध हैं। MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में विद्यार्थियों को मिलती हैं वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर लैब्स, फार्मास्यूटिकल लैब्स, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, स्मार्ट क्लासेस, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस हॉल, और इसी के साथ कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन, सुविधाजनक होस्टल रूम्स, सात्विक आहार कैंटीन, बैंक ATM फैसिलिटी, डिस्पेंसरी, स्टेशनरी शॉप और उच्च स्तरीय स्पोर्टिंग फैसिलिटी। MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में हाईली रिसोर्सफुल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, जिसका विश्व विख्यात बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जीवंत संपर्क है, और इसी के कारण महाकाल ग्रुप के हजारों विद्यार्थी देश विदेश में महाकाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स का नाम शिखर पर ले जा रहे हैं। महाकाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के एंटी रैगिंग कैंपस में कैरियर मेंटोरिंग सेल, सॉफ्टवेयर सेल, विमेन एम्पावरमेंट सेल, इंग्लिश फोरम, स्टूडेंट काउंसिल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल और IIT मुंबई रिमोट सेंटर है, जो विद्यार्थियों को आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में सदैव आगे रहने के लिए तैयार करता है। महाकाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में है प्रतिभाओं के लिए प्लेटफॉर्म, टेक्निकल टैलेंट्स के लिए टेक्नोकुंभ, तो आर्टिस्ट्स के लिए कल्चरल एंड लिटररी एक्टिविटीज। MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स अर्थात असीम और अनंत संभावनाओं का आकाश, जहां विद्यार्थियों की महत्वाकांक्षाएं और स्वप्न बदलते हैं हकीकत में। वर्मा क्लासेस, जहां टॉपर्स तराशे जाते हैं। निरंतर 30 वर्षों से MP बोर्ड 10th एंड 12th के स्टेट टॉपर्स हो या डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स या फिर हो स्कूल टॉपर्स, यह सभी होते हैं वर्मा क्लासेस के स्टूडेंट। 9th टू 12th एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों के लिए MP बोर्ड के स्टूडेंट्स का एक ही डेस्टिनेशन वर्मा क्लासेस, 47 सुतार बाकल देवास, फोन 222571, मोबाइल 9425055001। A pioneer, a trendsetter, and a global leader and presence in over 15 countries. We at Arena have always delivered world-class quality, competence, and consistency in our offerings. And offer industry-relevant courses in animation and multimedia to students aspiring for global careers in this new age industry. We train students as well as professionals in the latest industry-relevant courses, backed by alliances with world leaders, a world-class faculty, and the latest technical educational tools. Our range of courses comprise training in areas such as animation, graphics, gaming, web and interactive multimedia, among others. For opportunities in industries like advertising, entertainment, print and publishing, designing, and internet. Arena students are also offered 100% placement assistance. Arena Animation, first floor, Diamond Tower, near HDFC Bank, Ramnagar, AB Road, Devas. Phone number 9826028845. Break के बाद आइए सीधे चलते हैं मुक्ति मार्ग, जहां रहती हैं चिमनाबाई स्कूल की बायो टॉपर इरम जाफरी। CZ Tutorials present समय चक्र स्कूल टॉपर्स अवार्ड में आज हम आए हैं मुक्तिधाम स्थित परमानंद कॉलोनी में, जहां हम मिलेंगे इरम जाफरी से, जो चिमनाबाई स्कूल की मैथ्स टॉपर हैं। तो आइए मिलते हैं इरम से। हेलो इरम, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम इरम जाफरी है और मैं महारानी चिमनाबाई स्कूल की टॉपर हूँ। मेरे 88.4 है, समथिंग 89 के समथिंग है, और मेरा टोटल मेरा PCB में है 90% था मेरा PCB में,
और ये मैं वर्मा क्लास से मैंने ज्वाइन किया था 12th में। वहाँ पर सभी टीचर्स ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मेरे टीचर्स जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने भी मुझे मार्गदर्शन दिया। अभी 12th की सीजन में मैं इंस्पायर अवार्ड मैं दिल्ली तक गई थी नेशनल लेवल पे, और मैं चिले में फर्स्ट थी। मैंने सोलर आइलैंड बनाया था। इसके बीच मुझे ऐसा समथिंग लगा था कि मैं शायद पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसकी वजह से समय नहीं मिल पाता था, लेकिन जिससे मतलब जब भी अच्छा बन गया क्योंकि मेरे मम्मी का बहुत सपोर्ट था, मेरे नाना जी मुझे बहुत उत्साहित करते थे और मेरे पापा मम्मी सब सभी ने बहुत साथ दिया, टीचर्स ने भी मार्गदर्शन दिया, उत्साहित किया। कभी निराश हो जाती थी तो सलाह दी कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसी टेक्निक करें। अच्छा इरम, आपकी फैमिली में कौन कौन है और किसका सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलता था? मेरे को मेरे नाना और मम्मी का सपोर्ट ज़्यादा मिलता था। मेरी मम्मी मुझे हेल्प करते थे कि नहीं ऐसा करिए वैसा करिए, और नाना भी मतलब उत्साहित करके जाते थे, मार्गदर्शन देते रहते थे कि नहीं अपनों को आगे बढ़ना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, अदर चीज़ में नहीं लगना है ऐसा। अच्छा स्कूल में कैसा सपोर्ट था आपका? स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी थी? हाँ फैसिलिटीज़ अच्छी थी वहाँ पर। सब टीचर्स खासकर काव्या मैम और मेरी जो क्लास टीचर्स हैं उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। वो बहुत मार्गदर्शन जो वो देते लेक्चर देते थे उनके लेक्चर बहुत काम आए। पढ़ाई से ज़्यादा एक ऐसा रहता है कि लेक्चर काम आता है क्योंकि पढ़ाई क्या है खुद को करना है, टीचर्स कितना भी समझा ले नहीं कर सकते लेकिन पढ़ाई खुद को करना है तो उनके लेक्चर। अच्छा वर्मा कोचिंग की टीचिंग टेक्निक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत बढ़िया है उसकी तो बात ये लगे। वर्मा क्लासेस में जो शेक्सर है इम्पोर्टेंट, वो शेक्सर ऐसी टेक्निक है उनकी कि जब पढ़ाते उसी वक्त याद करवा देते हैं बिल्कुल, और मतलब समझाने की टेक्निक बहुत अच्छी है। वर्मा सर वो हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, डाउट होते हैं तो उसको क्लियर करते हैं हमेशा। ऐसा नहीं कि मतलब एक हम पूछने के ऊपर नहीं करते हैं कि डांट देते हैं, क्लियर करते हैं अच्छे से। अच्छा परीक्षाओं की तैयारियां कैसे करती थी आप? पूरा दिन पढ़ती थी? आपका टेक्निक्स क्या क्या आपने अप्लाई की पढ़ने के लिए? मैं मतलब 5 घंटे पढ़ाई करती थी स्कूल कोचिंग के अलावा, और मैं सुबह उठती थी जल्दी 4 बजे, और शाम को जब अगर 4 बजे नहीं उठ पाती थी तो लेट नाइट पढ़ाई करती थी। इरम की मम्मी जी भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित थे, आइए उनसे जानते हैं उनकी बेटी के बारे में। नमस्ते मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि हमारी गुड़िया ने इतने अच्छे नंबर से पास हुई। जी आपने कैसे सहायता की अपनी बेटी की पढ़ने में? सब टाइम टेबल से इसको उठाया, पढ़ने स्कूल भेजा, कोचिंग भेजा, इसमें सहयोग दिया है। अच्छा आपके साथ काम में भी मदद करवाती थी? मैं भी घर में भी मदद करवाती थी, हेल्प कराती थी। अच्छा इरम के पिताजी क्या चाहते हैं कि इरम क्या बने बड़े होके? जो भी इसको आगे फ्यूचर में बनना है वो बने, उनकी यही कामना है। अच्छा मतलब आप लोगों का पूरा सपोर्ट है, इरम जो करना चाहेंगे आप करवाएंगे? फैमिली का पूरा सपोर्ट है, उनके नाना जी का, हमारे पेरेंट्स सबका सपोर्ट है, भाइयों का सबका। अच्छा इरम आप क्या चाहती हैं, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और अभी मैं कोटा से मतलब कोचिंग ज्वाइन करने का सोच रही हूँ, और साइड में एक BSc नर्सिंग को भी लेके चल रही हूँ कि अगर वो नहीं होता तो BSc नर्सिंग। आइए अब मिलते हैं इरम के होम मोटिवेटर अर्थात उनके नाना जी से। नमस्ते अंकल, आपको कैसा महसूस हो रहा है इरम की इस कामयाबी पर? खुश हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है कि बहुत खुशी हो रही है, और हमेशा तो पढ़ने में फर्स्ट क्लास रही है, 10th क्लास में भी इसका स्कोर बहुत अच्छा, गणित में 100 में से 99% ली थी। टेंथ में भी अच्छा स्कोर किया था, इसलिए अभी मैंने इसको अच्छा बकअप करा, पूरे वर्षों पर इस पर नज़र रखी, वो इसको प्रोत्साहित करता रहा, हौसला अफजाई करता रहा। मैंने कहा बेटा अच्छे नंबर पास हो तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा, तुम्हारा करियर बन जाएगा, तो अपन एक मीडियम परिवार से हैं, तो मैंने कहा तुम्हारे आगे जाके बहुत सारे स्कोप तुम्हारे लाइफ के निकल आएंगे, इसे पूरा सपोर्ट मेरा से रहा। जी धन्यवाद, आपके इन विचारों को हम हमारे चैनल के माध्यम से और आगे बढ़ाएंगे। आइए अब मिलते हैं इरम के भैया से, वो क्या सोचते हैं अपनी बहन के बारे में। हेलो भैया, हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कैसा लग रहा है इरम की इस कामयाबी पर? मेरे को बहुत बढ़िया फील हो रहा है कि मेरी बहन आज इतने अच्छे नंबरों से पास हुई, क्योंकि ये डरती थी हमेशा कि मैं पढ़ रही हूँ, इतना पढ़ रही हूँ, पास नहीं हो पाऊंगी, थोड़ा मेरा माइंड कमजोर, पर मैं इसको हमेशा समझाता था टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ो और एग्जाम देकर, और आज उसने इतने अच्छे नंबर से पास करी है। मतलब आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आप किस प्रकार से सपोर्ट करेंगे अपनी बहन को आगे? हमेशा इसको मोटिवेशन करता रहूंगा कि हमेशा पढ़ती रहे, कभी भी कुछ लाइफ में थोड़ा ऐसे उतार चढ़ाव आए तो ये हार नहीं माने और आगे बढ़े।
सीजी ट्यूटोरियल्स प्रेजेंट समय चक्र स्कूल टॉपर्स अवार्ड में आज हम मिलने इरम से। ऐसे ही कुछ और टॉपर से हम आपको मिलवाने आ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं कुछ और टॉपर से मिलने। तो कैसा लगा आपको इन स्कूल टॉपर से मिलकर? आपके विचार लगातार हम तक पहुंचाते रहें इन नंबरों पर।